खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने रविवार 8 सितंबर को 16 सदस्यों वाले स्क्वाड का ऐलान किया, जिसकी कमान रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। वही टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, विकेटकीपर ऋषभ पंत और तूफानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। वही केएल राहुल भी टीम में लौटे हैं, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को पहली बार टीम इंडिया से बुलावा मिला है। वही टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। वही मार्च 2024 के बाद टीम इंडिया पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ हुई उस टेस्ट सीरीज में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। वो अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए परिवार के साथ थे। तब वो पांचों टेस्ट से बाहर रहे थे, लेकिन अब वो टीम में वापसी कर रहे हैं। कोहली के साथ ही सबसे ज्यादा उत्सुकता ऋषभ पंत को लेकर थी, जो दिसंबर 2022 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। रोड एक्सीडेंट से उभरने के बाद पंत ने 3 दिन पहले ही दिलीप ट्रॉफी में रेड बॉल क्रिकेट में वापसी की। संयोग से पंत का पिछला टेस्ट भी 21 महीने पहले बांग्लादेश के खिलाफ ही था। वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बना हुआ कंफ्यूजन भी अब दूर हो गया है। माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे को देखते हुए बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। हालांकि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पहले भी साफ कर चुके हैं कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। ऐसे में समझा जा रहा है कि बुमराह को दूसरे टेस्ट से रेस्ट लिया जाएगा। वैसे T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद बुमराह 2.5 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद पहली बार क्रिकेट मैदान पर उतरेंगे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में ही फिटनेस के कारण बाहर हुए केएल राहुल को भी फिर जगह मिली है, लेकिन वो विकेटकीपर नहीं रहेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने पंत के अलावा ध्रुव जुरेल को भी विकेटकीपर के रूप में शामिल किया है। साथ ही सरफराज खान भी अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे, जबकि दिलीप ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले पेसर आकाशदीप को भी मौका मिला है। इस स्क्वाड में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल के रूप में एकमात्र नया चेहरा है। दयाल को पहली बार किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया से बुलावा आया। यश दयाल ने दलीप ट्रॉफी में इंडिया बी की ओर से दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल करते हुए टीम को जीत दिलाई। वहीं पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड है रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और यश दयाल। तो आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट के लिए जो टीम इंडिया का ऐलान किया गया है वो सही है, या इसमें कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था? तो अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।